तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल की शिद्दत से जलजला। बहुत सारी दुआएं तुर्की, शाम, लबनान और जो इस जलजले से मुतासिर हुए। अल्लाह सबको महफूज रखे, बिलखुसूस मुसलमानों को। फैसले कौन कर रहा है? इसराइल के साथ ट्रेड शुरू हो गया। क्या कैबिना का फैसला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है? वजारत खारजा का फैसला है? क्या ये बंद कमरे का कोई फैसला है? ये रात को जो इंफॉर्मेशन सामने आई है आपके, वो पूरी कौम देख रही है। ये गद्दारी है फलस्तीन के कॉज से, ये गद्दारी है किबला अव्वल से, और ये गद्दारी है उस सारे मौकफ से जो पाकिस्तान का तो मौकफ है। कायदे आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पर पाकिस्तान खड़ा है। अल्लाह का फतवा यह है, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो मुशरिक है, वही तो फासिक है, वही तो सरकश है। और ये तीन फतवे एक रुकू में आए हैं सूरह मायदा का रुकू नंबर। ये शहादत जो है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ठीक है, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम्हें मालूम नहीं है शहादत गाह में आ गए। शहादत से मुराद तुम्हारे कौल से अल्लाह और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, और इंफरादी ही नहीं इज्तिमाई सतह पर अल्लाह के दीन को कायम करके गवाही दो दुनिया के सामने कि देखो ये है अल्लाह का दीन। आओ, कम एंड सी विद योर ओन आइज, दिस इज इस्लाम।